यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग होती है और ज्यादातर अवैध माइनिंग करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जैसा उनका आदेश होता है, संगठन में काम करने का, पार्टी में काम करने का मानते हैं। मैनेजमेंट हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वो मैनेजमेंट बिगड़ गया कि हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। लोग बोले कि 3 तारीख के बाद बताएंगे। बाबू सिंह जी बताएंगे, नमस्कार, चुनाव यात्रा में आज हम शेरगढ़ में हैं। शेरगढ़, जिसके नाम की परिभाषा भी इसी के नाम में छिपी है, सरहद पर तैनात सपूत हो या मुल्क के लिए शहादत प्राप्त करने वाले सपूतों की संख्या हो, देश में जब भी सबसे ज्यादा शहादत देने वालों की संख्या की गिनती होगी तो उसमें एक नाम शेरगढ़ का भी होता है। शेरगढ़ के पिछले 75 साल के राजनीतिक इतिहास को अगर एक सरसरी नजर से देखा जाए तो मोटे तौर पर यह इतिहास के दो ही अध्याय हैं। एक अध्याय 2003 से पहले का और दूसरा अध्याय 2003 से 18 का। शेरगढ़ लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे वाली सीट रही। यहां बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर या बहुत स्पष्ट मार्जिन के साथ बहुत ज्यादा बार जीत हासिल नहीं कर पाई। पहली बार अगर मोटे तौर पर कांग्रेस का किला भेदने में बीजेपी को कामयाबी मिली तो 2003 में मिली और बाबू सिंह राठौड़ यहां पर बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। 2003, 2008 और 2013 तीनों बार जीत मिली। हालांकि 2018 में यहां पर कांग्रेस की वापसी जरूर हुई और अब 5 साल बाद में फिर से शेरगढ़ चुनाव में है। इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी, परिणाम क्या रहेंगे, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए शेरगढ़ के पूर्व विधायक और बीजेपी के वर्तमान में यहां से शेरगढ़ सीट से कैंडिडेट बाबू सिंह राठौड़ हमारे साथ में हैं। बाबू सिंह जी, चुनाव में करीब करीब 15 दिन का समय बचा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं इन चीजों को लेकर? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और मैं आपके माध्यम से मेरी ओर से प्रदेशवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दीपावली की शुभकामना प्रेषित करना चाहूँगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और जब भी मोदी जी सभाएं करते हैं तो वो कहते हैं कि आपका वोट मेरे खाते में। और इस बार भी आपने सुना होगा कि कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है और आपको कमल के फूल को जिताना है, और मोदी जी कहते हैं फिर विकास की गारंटी हमारी है, तो उनकी गारंटी के प्रति जनता को भरोसा है, विश्वास है। मुझे भी भरोसा और विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे शेरगढ़ की ईश्वरीय और दैवीय शक्तियाँ काम करेगी और ये जनता जनार्दन हमारे पक्ष में फैसला करेगी और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा है। टिकट वितरण की अगर बात करें तो पहली लिस्ट तो ज्यादातर वो बीजेपी के सीटें थी, जो 43 नामों की लिस्ट आई थी उसमें ज्यादातर वो सीटें थी जो बहुत टफ सीटें थी, लेकिन दूसरी और तीसरी लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें थी जहां बीजेपी या तो जीती हुई है या फिर वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं है। शेरगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत लंबा इंतजार करना टिकट को लेकर, इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में अलग तरह की चर्चाएं चली और जनता के बीच भी अलग अलग तरह की चर्चाएं चली। उसी बीच आपकी यात्राएं निकलती है, देवदर्शन यात्रा जोधपुर से होते हुए शेरगढ़ पहुंचती है, जहां तक करीब करीब इस पूरे एरिया में 3 से 4 विधानसभाएं कवर की, तो भी लोगों में चर्चाएं हुई कि शेरगढ़ से तैयारी और इतनी लंबी यात्रा जहां 3-4 विधानसभाएं कवर की जा रही हो, तो शेरगढ़ में इस बार टिकट वितरण में देरी और तमाम तरह की जो कयासबाजी और चर्चाएं हैं, आखिर इसका क्या कारण है? पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जोधपुर विश्वविद्यालय, हमने वहाँ से छात्र राजनीति शुरुआत करी। विश्वविद्यालय में छात्र संघ के सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहने के नाते मेरा जुड़ाव मारवाड़ में है और मारवाड़ में मेरे शुभचिंतक हैं, इसलिए मारवाड़ में जो बड़े धार्मिक मंदिर हैं, जब कभी भी कोई शुभ काम हम शुरू करते हैं तो ईश्वर के चरणों में जाके धोख लगाते हैं, और मेरा, मैं शुरू से ही आस्तिक हूँ और ईश्वर के प्रति, देवी शक्तियों के प्रति मेरी भावना भी है, श्रद्धा भी है, और मैं आराधना और उपासना हमेशा पूजा पाठ करके फिर काम, दूसरा काम करता हूँ। तो जो भी विश्वास है, भरोसा है, वो ईश्वर में और देवी शक्तियों में मैं करता हूँ, और मेरा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, और जैसा आप अभी बता रहे थे कि शेरगढ़ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा, ये बात सही है। 2003 में, उससे पहले भी दादी सा रतन कंवर जी ने, मनोहर सिंह जी इंदा ने इसको भेजा था, और लगातार हैट्रिक हमारे समय में यहाँ 2003, 2008 और 2013 में हुई थी। पार्टी विचार कर रही है कि
कैसे भी ये सीट निकाली जाए, तो उन्होंने अलग अलग सर्वे कर करके और फिर ये सामूहिक निर्णय लिया है। तो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने शेरगढ़ की जनता का सम्मान किया, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट को लेकर एक और चर्चाएं हैं। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि ये टिकट संघ के वीटो से आया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये पार्टी का टिकट है। कुछ लोगों का कहना है कि न प्रदेश नेतृत्व का ये टिकट है, इसमें देरी की वजह यही रही, न संघ का ये टिकट है, बल्कि शीर्ष नेतृत्व के सर्वे के आधार पर ये टिकट फाइनल हुआ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टिकट आखिरी कहां से और किस आधार पर फाइनल हुआ होगा। आप जानते हैं कि जैसा गुजरात में चुनाव हुआ है या हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, तो सर्वे व्यापक स्तर पर होते हैं, और जो जीताऊ उम्मीदवार होता है, टिकाऊ उम्मीदवार होता है और पार्टी के प्रति वफादार हो और पार्टी को मजबूती प्रदान करे, पार्टी के लिए काम करे, तो इस प्रकार का सर्वे करके मेरिट, सर्वे की मेरिट होती है कि हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी, एक वो भी आधार होता है। और फिर अलग अलग जो हमारा विचार परिवार है उनसे भी सलाह ली जाती है, और सबसे सलाह होने के बाद इसको कंक्लूड करके और फिर ही हमारा जो संसदीय बोर्ड है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वहाँ पर टिकट वितरण का निर्णय होता है। हम शेरगढ़ की राजनीति पर बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा और सवाल। आप पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं, और जो जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो भी मारवाड़ के एक बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर है। अगर पार्टी के भीतर इन दोनों चेहरों के बीच में आने वाली सियासत में अगर आपको तालमेल बिठा करके चलना हो, तो क्या ये तालमेल कैसे बैठेगा और किस तरह से बाबू सिंह का रोल और बाबू सिंह की दिशा क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, और राजमाता शाह विजया राजे जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर मेंबर थी, और आदरणीय वसुंधरा जी उनकी सुपुत्री हैं, और दो बार मुख्यमंत्री रह गए, हमने 15 साल उनके साथ काम किया है, सरकार में भी साथ काम किया है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनके प्रति हमारा सम्मान है, मेरा ही नहीं है, उनका करिश्मा भी है, राजस्थान की जनता उनका सम्मान करती है, तो जैसा उनका आदेश होता है संगठन में काम करने का, पार्टी में काम करने का मानते हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और हम 25 साल से साथ रहे हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे, हम भाई जैसे रहे, और विश्वविद्यालय में वो मेरे से पहले अध्यक्ष रहे, मैं बाद में रहा, छात्र राजनीति से हम दोनों ने शुरुआत करी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मेरे से स्नेह रखते हैं, आदरणीय वसुंधरा जी रखते हैं, और पार्टी में साथ हैं, इसलिए मिलकर ही काम करते हैं। चलिए, शेरगढ़ विधानसभा की जब अपन बात करते हैं तो मोटे तौर पर बालेसर का एरिया आता है, जहाँ से सरकार को जाने वाला रेवेन्यू हो, या जहाँ लोगों को मिलने वाला रोजगार हो, या जहाँ जहाँ की मार्केट की निर्भरता हो, सबसे ज़्यादा खनन पर है, माइनिंग पर है। लेकिन कल जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो ज़्यादातर लोगों की एक शिकायत थी कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग होती है, और ज़्यादातर अवैध माइनिंग करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार कोई है तो वो माइनिंग है, दूसरा कृषि भी है और पर्यटक भी है। तो मेरा मानना है कि हमने हमारे समय में यहाँ पर क्वारी लाइसेंस अलॉट कराए थे, एक तो 1117 कराए थे, एक 180 कराए थे, ऐसे 3 चरणों में हमने क्वारी लाइसेंस अलॉट कराए कि लोगों को रोज़गार मिले। अब ये हमारे जो क्वारी लाइसेंस हुए हैं ये 30 साल पहले, 40 साल पहले हो गए, तो वो खाणियाँ वहाँ समाप्त हो गई, पत्र समाप्त हो गया, तो लोगों को रोज़गार तो करना पड़ेगा, और आप उनको क्वारी लाइसेंस नहीं देंगे या लीज नहीं देंगे तो वो कोई ना कोई पत्र काटने का काम तो चोरी छिपे करते ही हैं। पर हम चाहते हैं कि सब लोगों को रोज़गार मिले, और रोज़गार मिले इसलिए यहाँ पर हमारे काफ़ी माइनिंग एरिया है, तो जब हमारी अब सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो हम माइनिंग की एक नई नीति लाएंगे, और नीति ला करके यहाँ पर उसमें जिले को भी आरक्षण दिलाएंगे, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ को भी उसके अंदर आरक्षण दिलाएंगे, और वहाँ यहाँ जहाँ जहाँ माइनिंग एरिया है वहाँ पर उसको आरक्षित करके और क्वारी लाइसेंस भी निकालेंगे, लीज भी निकालेंगे, जिससे फिर अवैध खनन कोई नहीं करे और लोगों को सीधा रोजगार मिले। एक जो माइनिंग एरिया में काम करते हैं लेबर, उनकी हेल्थ को लेकर एक बड़ा इशू रहता है। अब ये आप देख रहे हैं कि हमने कई बार ऐसे यहाँ अभियान चलाए और मास्क भी बांटे और क्या क्या उनको सावधानी रखनी होती है वो सब बताई है, पर अब इसके लिए कोई अलग से नीति बनानी पड़ेगी और कानून सख्त बनाना पड़ेगा, जिसे वो नियमों को फॉलो करे और इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। खान मालिकों को थोड़ा टाइट नहीं, सबके लिए, खान मालिकों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, हम ऐसा एक नियम और नीति बना देंगे और सख्त नीति बना देंगे
कि उसमें सजा का भी प्रावधान हो, तब जाकर के स्थिति में सुधार आएगा। शेरगढ़ में पानी की एक बड़ी समस्या है। जहां भी जाओ, जिन लोगों से बात करो, पानी को लेकर सब तरफ त्राही माम है, अगर मोटे तौर पर मैं एक शब्द यूज लूं तो। ये समस्या आज से 20 साल पहले भी सुनते थे और आज भी सुन रहे हैं। इस दौर में बीच में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा, पिछले 5 सालों में यहां पर कांग्रेस की विधायक है, तो पानी की समस्या जस की तस है और ये हर बार के चुनाव का मुद्दा है। शेरगढ़ गौरव सेनानी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के जांबाजों ने देश की सेवा करी, तो अपने लिए कभी स्वार्थ की मांग नहीं करी। अब ऐसी धरती की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिला, तो ये समस्या का समाधान, स्थायी समाधान हो, इसके लिए हमने यहाँ पर मजबूती के साथ प्रयास किए थे। आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे यहाँ एक मेगा हाईवे दिया और उसका उद्घाटन करते हुए यहाँ पेयजल की बड़ी दो योजनाओं की घोषणा करी और दोनों योजनाएँ उन्होंने धरती पर उतारी। वो दोनों योजनाएँ आई, गाँव में टंकियाँ बनी, SR बने, गाँव गाँव पानी पहुँच गया और अच्छा मैनेजमेंट था। सब जगह हिमालय का पानी जा रहा था। हमने यहाँ जगह जगह RO प्लांट लगाया, खारे पानी को मीठे पानी करने का, जगह जगह टांके बनाए, खूब सारी ट्यूबवेल्स कराई, लाइनें बिछाई। मैनेजमेंट हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वो मैनेजमेंट बिगड़ गया और यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो गई। आम जनता कहती है कि जब तक बाबू सिंह विधायक था यहाँ पानी का मैनेजमेंट अच्छा था, बाबू सिंह के जाने के साथ ही पानी की समस्या हो गई। अब वापिस बाबू सिंह आएगा ही तो ही हमारी पानी की समस्या का समाधान होगा। हम हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर घर में नल लगाकर जल पहुंचाने का संकल्प लेकर जल जीवन मिशन अभियान का आगाज किया। लेकिन मोदी जी यहाँ के काम नहीं कर सकते, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों के साथ बैठे ड्राइंग बनाए, GT शीट तैयार करे, पेट्रोल प्लांट कहाँ बनेंगे, डिग्गियाँ कहाँ बनेगी, लाइनें कहाँ लगेगी, वाल चैम्बर कहाँ बनेंगे, तो वेल प्लानिंग करे। बजट की कोई कमी नहीं है, बजट खूब आया, लेकिन मैं कहता हूँ हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के शासन में वो सारा पैसा, वो उसका दुरुपयोग हुआ, धन का दुरुपयोग हुआ है और जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो अब हमारी सरकार बनेगी तो फिर से वेल प्लान होगा, इसका पूरा सर्वे होकर योजना बनेगी। मिशन का आपने जिक्र किया है, कल मैं भूंगरा की तरफ गया था तो बीच में चलते वक्त रायसर के आगे खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे, मैं उनके पास रुका। मैंने वहाँ के लोगों से पानी को लेकर के बात की तो उन्होंने मुझे सामने एक टंकी दिखाते हुए कहा, और सिर्फ वो एक रायसर गांव नहीं, बाकी लोगों से जब बात करते हैं तो जल जीवन मिशन जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा लेवल तक नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कई जगह पर पाइप नहीं डले हुए हैं, वहाँ पेमेंट उठा लिया गया, टंकियाँ बने हुए 3-3 साल हो गई है, वो सिर्फ शो पीस और फोटो खिंचवाने के लिए रह गई है, और इसमें वर्किंग बॉडी स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्थानीय विधायक को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है और सरपंचों को लेकर भी कई लोगों ने शिकायत की कि जो लोकल सरपंच थे उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिली भगत से सारा कुछ। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पानी जैसा कोई धर्म नहीं है, और जो पैसा जनता के पेयजल समस्या के लिए आया था वो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने और विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके अपने घर भर लिए और जनता देखती रह गई। जिस रायसर की आप जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपने देखा कि ऑनलाइन जो गांव हुआ वो रायसर हुआ जल जीवन मिशन में, और बता दिया उसमें कि घर घर पानी पहुंच गया। लेकिन सबसे ज़्यादा संकट कहीं है तो वहाँ है। रायसर के लोगों ने हमें बताया कि जल जीवन मिशन का एक पाइप आगे निकला है, एक पाइप पीछे निकला है, बीच में से आप खोद दीजिए, आपको पाइप लाइन नहीं मिलेगी। इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ और पाइप लाइन नपा दी गई और पैसे उठा लिए गए। पाइपों के अंदर टैंकर से पानी डाला गया, टेस्ट करा गया और पैसा उठा लिया गया। कई जगह तो हमने आंदोलन भी किए कि हमारे इंदावटी क्षेत्र के अंदर ये जल जीवन मिशन की जब योजना आई तो 80% पैसा एडवांस में उठा लिया, मौके पे काम नहीं था, तो भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं, सरकार आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे और जिन्होंने भी हमारी जनता के साथ विश्वासघात किया है उसकी जांच करा करके दोषियों को सजा दिलाएंगे। एक सवाल, मैंने अभी भूंगरा प्रकरण का जिक्र किया, कल मैं वहाँ गया था, उस गाँव के लोगों से बात की, उस परिवार के लोगों से बात की, एक ऐसी त्रासदी थी जिसकी तस्वीर देश में जिसने भी देखी शायद वो हिल गया। सप्ताह भर 15 दिन का समय ऐसा रहा जब नेताओं का बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म के स्थान बन गया था। लेकिन वहाँ दोनों भाइयों के, जिस घर में यह हादसा हुआ था वहाँ दोनों भाइयों के मकान बन रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो दोनों मकान जो भामाशाहों से, आम लोगों से जो चंदा मिला था वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से एक मकान जिसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ली थी,
और दूसरे वाला मकान जिसमें 5 लाख रुपये बद्रीराम जाखड़ और 5 लाख रुपये का जिम्मेदारी देवी सिंह भाटी कोलायत के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो है उन्होंने ली थी। ये तस्वीर थोड़ा विचलित नहीं करती है कि एक वक्त जब इस तरह के हादसे होते हैं, सियासत चाहे वो पॉलिटिक्स हो या मीडिया के लिए भी एक अच्छा स्पॉट बन जाता है जहाँ से अच्छा कंटेंट मिल सकता है, लेकिन जब समय बीतता है तो वापस उनकी वो सुध नहीं ली जाती है। कई लोगों के, हालांकि मैं ऑन कैमरा ऐसे नेताओं के नाम नहीं लूंगा जिनको लेकर के ये तक कहा गया कि अस्पताल वहाँ पर स्वीकृत हुए थे लेकिन बाद में पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ से अस्पताल शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ हॉल का विधायक फंड से ऐलान हुआ था लेकिन हॉल नहीं बना है, कुछ नेताओं के नाम लिए गए जिन्होंने मदद का तो वादा किया था लेकिन उसके बारे में दसियों बार घर से जो 100 मीटर दूर है उस सड़क से वो गुजरे लेकिन कभी सुध लेने नहीं आए। अब जिन्होंने भी जो किया है वो तो वो जाने, उनकी जाने, लेकिन ये घटना बहुत हृदय विदारक थी। और हम तो, हमारा ये परिवार है इसलिए उनके साथ लगातार 1.5 महीने तक लगे रहे, कहीं भी नहीं गए, उनकी मदद कैसे पहुँचाई जाए, उनको फिर मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, पूरी उनकी मदद हुई। और आदरणीय वसुंधरा जी ने कहा कि इस गांव को अपन गोद लेके और इनकी मदद करेंगे, उसकी जिम्मेवारी हमें दी थी, हमने एक एक घर को जाके सर्वे किया, उसका प्लान बनाया और उनसे पूरी मदद भी दिलाई है। अब उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वहां हमने ट्यूबवेलें भी कराई, आप 16 ट्यूबवेलें भी कराई, लेकिन उसमें से ऑपरेट एक ही नहीं, अब ऑपरेट होगी वो सब। हमें यही उम्मीद थी, सरकार को हमने लिख के दिया था कि ट्यूबवेल हमने खुदवा दी है तो सरकार इसको चालू कर देती है, तो सरकार ने जो घोषणा की थी कि जो घायल परिवार हैं और मृतक परिवार हैं उनको एक एक को संविदा नौकरी देंगे, वो संविदा नौकरी नहीं दी, ट्यूबवेल चालू हो जाती तो संविदा पे वहाँ नौकरी मिल जाती। अब हमारी सरकार बनेगी तो उन ट्यूबवेलों को हम सरकार से चालू कराएंगे जैसे संविदा पे नौकरी उनको मिले, तो संविदा पे नौकरी हमें मिलेगी, कुछ सरकारी नौकरी भी हमारी मांग चल रही है। और एक मकान आदरणीय वसुंधरा जी ने घोषणा की थी कि अपनी कमेटी की ओर से इनको बना के देनी है, जो गोद देने वाली कमेटी है वसुंधरा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, तो वो जो ठेकेदार हमने लगाया है वो हमारे बालेसर का प्रजापत है, वो हमारी तरफ से ही काम कर रहा है और हमारी कमेटी ही उसको भुगतान कर रही है, तो एक मकान तो पूरा वसुंधरा जी की तरफ से ही बनेगा और उसका पूरा भुगतान हमारी आदरणीय वसुंधरा जी जो कमेटी बनाई उसके द्वारा किया जाएगा। बाकी हर समय हम उनको संभालते रहते हैं, मैं तो जाता रहता हूँ उनके साथ में और उनका मेरा पारिवारिक जुड़ाव है, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकार बनने के बाद जो गोद लेने की घोषणा हुई है हर प्रकार की उनको मदद देंगे और मदद उनको करवाएंगे। राजस्थान सरकार का जो चिरंजीवी बीमा योजना के तहत जो बीमा मिलना था, ज़्यादातर परिवारों को वो भी नहीं मिला है। 35 जिन लोगों की डेथ हुई थी उसमें से शायद 10 लोगों का पूरा बीमा मिल पाया। ऐसे बड़े बड़े जब हृदय विदारक हादसे होते हैं तो ऐसे सरकार को जिला स्तर पर कमेटी बना करके उनको राहत देनी चाहिए, जो राहत दी नहीं गई। और मैं समझता हूँ कि सरकार का मदद बिल्कुल नगण्य थी और उन्होंने ऐसे समय में उनको कोई नहीं दी, उनको मदद करने के लिए हमको बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ा और सब सरकार झुकी और कहीं जाकर के मुख्यमंत्री सहायता कोष में उन्होंने 2 लाख से 5 लाख किए और दूसरी थोड़ी बहुत मदद करी, बाकी कोई विशेष मदद मैं नहीं मानता कि राजस्थान सरकार को करनी चाहिए, उनको राजधान निभाना चाहिए था जो उन्होंने नहीं निभाया, और आने वाले समय में अब उनकी हम मदद करेंगे ऐसा हम कह सकते हैं। मदद हमने हमारे स्तर पर भी सहयोग जुटा करके करी। आप 15 साल तक शेरगढ़ के विधायक रहे, कुछ दिनों बाद में चुनाव है, अगर आपकी फिर से वापसी होती है सत्ता में तो अगले 5 साल के लिए शेरगढ़ के लोगों के लिए क्या कुछ खास तोहफे विकास के कार्यों के तौर पर आपके रहे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपने सुन ही लिया है, सबसे बड़ा मुद्दा पेयजल है और मैंने यहाँ के अधिकारियों को चेतावनी भी दे दी है कि हमारी सरकार बनेगी 3 महीने में व्यवस्था सुधार लो, नहीं तो आप परिणाम और खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। यहाँ का अनुभव है, मैं डांडी जानता हूँ, हर दौरे में गया हूँ, हर डांडी में गया हूँ, तो पूरा सीनरिया मेरे दिमाग में है और पहले भी सारी पानी की प्लानिंग मेरे द्वारा ही की गई है, जो हिमालय पेयजल योजना यहाँ आई है। अब उस योजना से कैसे पानी पहुँचा, कैसे रुका, तो उसमें कैसे सुधार किया जाए और पूरी बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए पानी का समाधान हो जाए, सबसे पहला तो ये काम करेंगे। दूसरा, यहाँ मैंने विद्युत विभाग का बड़ा ज़बरदस्त तंत्र सुधारा, बिजली घर बनाए वगैरह, उसमें जहाँ सुदूर होगी तो मजबूत विद्युत तंत्र हम बनाएंगे। इसके अलावा ये गौरव सैनी विधानसभा क्षेत्र है तो उनके लिए भी राजस्थान सरकार से भी मांग है और केंद्र सरकार से भी मांग है, तो चुनाव से पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला किया, वो तो स्वागत योग्य है, उसके लिए तो सभी में खुशी है, लेकिन थोड़ी विसंगतियाँ रही है, तो हमारे यहाँ के जो JCOs के नीचे हैं वो चाहते हैं कि कुछ विसंगतियाँ दूर हो जाए, तो 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियाँ भी दूर होगी। एक बड़ी मांग हमारे यहाँ है
कि हिंदुस्तान का ये पहला विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गौरव सेनानी और ये सैनिक हैं, इनके लिए केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए। तो बड़ी मांग है इनकी, और केंद्रीय विद्यालय के लिए हम उनके हक और अधिकारों की लड़ाई जिस स्तर पर करनी पड़े वो भी करेंगे। फिर हमने यहाँ 9 बीघा 4 बीसवा जमीन अलॉटमेंट कराई है फोरोड फांटे पर, उसके उन वहाँ पर हम पूरा अमर जवान ज्योति बना करके और फौजियों के लिए एक वेलफेयर का काम वहाँ करेंगे। उसके लिए करोड़ों रुपये लाने की ज़रूरत होगी, तो वो एक प्लान करके वहाँ काम करेंगे। ECS हमने सैगढ़ में खुलाया है और सैनिक कल्याण कार्यालय भी खुलाया है, एक ECHS बालेश्वर में भी हम खुलाएंगे। तो ये उनकी खास मांग है। और दूसरा, यहाँ पर एक मुद्दा यौ में है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने EWS लागू किया है, पर EWS में भी कुछ सरलीकरण करने की ज़रूरत है। तो उसकी भी मांग हमने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से पता रहे थे, मैं दिल्ली जाके करके आया। तो अब सरकार बनते ही, जब यहाँ सरकार बनेगी तो हम केंद्र में भी जाएंगे और EWS में सरलीकरण युवा चाहते हैं वो भी हम कराएंगे। एक सवाल शेरगढ़ के BJP संगठन को लेकर के, टिकट वितरण में काफ़ी देरी हुई, इसको लेकर के आपका अपना जवाब है, जनता और पॉलिटिकल गलियारों की अपनी चर्चाएं हैं। लेकिन एक चर्चा में सब सहमत है कि शेरगढ़ में BJP एकजुट नहीं है उतनी। अब चुनाव में 12-13 दिन का समय बचा है, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि हम एकजुट हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में और चुनावों को मजबूती से जल लड़ेंगे? अब हमारा संगठन बहुत मजबूत हो गया है और जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मिलता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, JP नड्डा जी का, अमित शाह जी का, तो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का कारण है कि आज प्रत्येक मतदाता सूची में हमारे पास पन्ना प्रमुख है, पन्नों की समिति बनी है, उसके बाद बूथ की समिति बनी है, बूथ की समिति के बाद शक्ति केंद्र में संयोजक सह संयोजक बने हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी बने हैं, सारे मंडल की कार्यकारिणी और मोर्चे बने हैं, इसी प्रकार से जिला, प्रदेश और केंद्र की पूरी टीमें हैं। तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है हमारे संगठन पर जो हमने यह मजबूत किया है। संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप देख लीजिएगा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है और लोकतंत्र में दावेदारी करना सबका हक होता है, लेकिन टिकट मिलने के बाद हमारा एक ही अर्जुन वाला लक्ष्य होता है, कमल का फूल। फिर हम अपने कमल के फूल के लिए सब मेहनत करते हैं, सब कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मेरे कार्यकर्ता घर घर ढाणी ढाणी लगे हुए हैं, पैदल घूम रहे हैं। और जब ये परिणाम आएगा 3 तारीख को, तो आप देखना जोधपुर ज़िले की सबसे बड़ी जीत होगी और वो हमारे यहाँ की जनता की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने ये प्रार्थना की थी कि बाबू सिंह राठौर को टिकट मिले। और ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियाँ, देवी शक्तियाँ काम करती है। और मैं तो हमेशा शेरगढ़ को मानवता का मंदिर मानता हूँ और शेरगढ़ की जनता को भगवान मान करके पुजारी बन के सेवा करता हूँ। तो हमेशा गरीब को गणेश माना, नर को नारायण माना, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा, जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझ करके जनता के बीच में रहकर साथ में बैठकर हमेशा हमने निर्णय किए हैं और समस्या का समाधान किया है। तो जनता हमें निश्चित रूप से वापिस सेवा करने का मौका देगी और शेरगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। एक जब लोगों में बात करते हैं तो एक आम चर्चा थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये चुनाव स्वाभिमान का चुनाव है। मैंने पूछा उनसे कि किस तरह के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वाभिमान, क्षेत्र का स्वाभिमान, दलगत स्वाभिमान। लोग बोले कि 3 तारीख के बाद बताएंगे, बाबू सिंह जी बताएंगे कि ये आखिर कौन से स्वाभिमान की लड़ाई है। अब शेरगढ़ की पहचान आन बान शान और स्वाभिमान से थी है, यहाँ की वीरांगना माताओं ने ऐसे जामों को जन्म दिया, जब देश होता है तो वो सरहदों पर खड़े होकर इस देश की रक्षा करते हैं और देश की रक्षा करते करते सीने पर गोली खाने से भी पीछे नहीं हटते और सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहादत भी देते हैं। तो ऐसी धरती से हम हैं, इसलिए जमा धरती तो ही है ही है। और प्रत्येक दूसरे घर में फौजी है और सभी परिवारों में उन्हीं फौजियों का DNA है। ये जब पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची, चौथी सूची में टिकट होल्ड होता गया और टिकट नहीं मिला, तो मारवाड़ पूरे की नज़रें शेरगढ़ पर थी कि ये लॉटरी किसकी खुलने वाली है। और जनता का जो सर्वे था, मैं कहता हूँ वो 90% सर्वे हमारे पक्ष में था। तो जनता कहती है कि जब जिसका हमने सर्वे करके भेजा है उनको टिकट मिलना चाहिए और ये होल्ड क्यों हुआ। तो ऐसा कुछ उन लोगों के जहन में है और मुझे विश्वास है कि जो हमारी आन बान और स्वाभिमान है वो स्वाभिमान पे चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी ने जो निर्णय किया है और जो सही निर्णय किया है उस पर जनता 25 तारीख को मोहर लगा देगी और वो मोहर 3 तारीख को कमल के फूल के रूप में पेटी से निकलेगी। और कमल के फूल के ऊपर तो माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, जब बाहर निकलेंगे तो शेरगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। जब हमने बातचीत शुरू की थी तो काफ़ी कोहरा था,
धीरे धीरे कोहरा छंट रहा है। चुनाव करीब आ रहे हैं, सियासी तस्वीर भी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। आज जहां आप चुनाव से 12-13 दिन दूर है, कितनी तस्वीर क्लियर हो पाई है परिणाम को लेकर? हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, कोहरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो आप देख रहे हैं अब पूरे राजस्थान में कमल की गूंज है और कमल की सुगंध बिखर रही है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जोधपुर जिले में तो एक तरफा 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक कल कुछ लोगों ने कहा था, हालांकि बहुत ज़्यादा कई बार लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ये बातें बाहर न जाए, बोलते नहीं खुल करके। मैंने उनको ड्रिल करने की कोशिश की, वो बोले नहीं। कहा कि इस बार बाबू सिंह जी कॉन्फिडेंट हैं, तो किसी ने कहा कि अति कॉन्फिडेंट है। ये आखिर क्या माजरा है जनता के बीच में जो ये छवि है? अब शेरगढ़ मेरा परिवार है और मैं शेरगढ़ का बेटा हूँ, इसलिए जनता मुझसे बहुत स्नेह करती है और जनता को भरोसा है, विश्वास है। आपने देखा 5 तारीख को जब हमारा टिकट का वितरण हुआ करीब 1:15 बजे, तो हमने 3 बजे एक सिर्फ संदेश भेजा और कहा कि 6 तारीख को हम 10 बजे नामांकन भरने जाएंगे, और जनता हज़ारों की संख्या में वहाँ उमड़ती है। तो मेरी कोई कमाई है, मेरी कोई संपत्ति है, तो जनता का भरोसा और विश्वास है जो मुझे उस दिन देखने के लिए मिला। बस यही कह सकता हूँ कि जनता का स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। तो ये थे बाबू सिंह राठौड़, जो बहुत सारे सवालों के जवाब में बेबाकी से भी बोले, लेकिन बहुत सारे जवाब सियासी तौर पर भी दिए जिन पर खुलकर बात नहीं की। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा है, ये पूरी तरह से सियासी कोहरा 3 दिसंबर को छटेगा, जब पता चलेगा कि शेरगढ़ में किसकी जीत हो रही है, किसका स्वाभिमान की जो लड़ाई है वो जीत हासिल कर रहा है, और प्रदेश की स्थिति क्या रहती है, क्या प्रदेश में भाजपा की सत्ता आती है या कांग्रेस वापसी करती है। पॉलिटिकल पंचायत की ये चुनाव यात्रा यूं ही जारी रहेगी, किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और चेहरे के साथ और जनता के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।